अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब लोग उम्मीद है कि खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ नाइट टू मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँ, और ये थी नाइट। और नाइट में हम लोग चले गए थे मनार मॉल, ये हमारे घर के करीब ही है, तो वहाँ पे हम लोग ने कुछ चीज़ें लेनी थी, ग्रॉसरी और कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हमने सोचा चले मनार मॉल ही चले जाते हैं, क्योंकि अब मौसम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा आउटडोर फिरने से गर्मी लगती है, तो फिर हमने इंडोर जाना ही प्रेफर किया। और बाहर छोटी सी सिटिंग है तो बड़ा अच्छा व्यू था। और यहाँ पे हो गई थी मॉर्निंग, और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरे घर के प्लांट्स हैं, ये खजूर का दरख्त है माशाल्लाह है, और ये अभी देखें ये बेबी डेट्स हैं जो कि जब निकलती हैं तो वो इस तरह की होती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि किस तरीके से ये जो हैं जब वो बेबी डेट्स होती हैं तो वो किस तरीके से निकलती हैं। जब ये बड़ी हो जाएंगी इंशाल्लाह तब भी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी इनकी जो ग्रोथ है। तो इसके ऊपर जो आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने इसकी बाउंड्री सी बनाई हुई है, ये दुआ की वजह से बनाई है, इसको कवर किया हुआ है ताकि वो जो है अंदर जाके घुसे ना, फंस ना जाए, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी बड़ा ट्री है। तो ये अंदर मैं गई तो ये देखें इस तरीके से ये बेबी डेट्स होती हैं जब ये निकलती हैं, तो ये छोटी छोटी सी जो हैं ये बेबीज़ हैं। ये जो था अंदर आ गई थी मैं, तो मैंने सोचा जो इसके दुआ के सॉफ्ट राइस हैं वो धो लिए जाएं, क्योंकि वो फिर जर्म्स और सारी चीज़ों के लिए बेहतर होता है कि उनको नीट क्लीन, उनके बच्चों के टॉयस को भी साफ़ सुथरा धो के रखा जाए तो वो साफ़ रहते हैं। उसके बाद फिर वेजिटेबल्स मैं लेके आई थी जो रात में, वो मैंने धो के रख दी, और फिर उनको मैं कट करके फ्रीज़ कर लूँगी। और कुछ मैं स्टीम वेजिटेबल्स बना रही थी और कीमा बना रही थी साथ। देखिए मैं इस तरीके से जो है ना वेजिटेबल, ब्रोकली और धनिया और ये सारी वेजिटेबल कट करके और उसको मैं फिर फ्रिज में फ्रीज़ कर देती हूँ। और ये मेरा फ्रिज है, उसके ऊपर मुझे मैग्नेट्स जमा करने का बहुत शौक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने लगाई हुई हैं। और ये आइसक्रीम वाला मैग्नेट मुझे बड़ा अच्छा लगा था, 250 से लिया था मैंने। और ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी जो मैं किस तरीके से जो है वो फ्रिज और फ्रीज़र ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। यहाँ पे सारी जो मसाले हैं शान के, वो आप लोग देख रहे होंगे फ्रीज़र में क्यों रखे हुए, ये फ्रीज़र में रखने से सेफ़ रहते हैं, बाहर पता नहीं कितना अर्सा रखे रहें तो वो गर्मी की वजह से कोई कीड़ा ना पड़ जाए, ख़राब ना हो जाए, तो फ्रीज़र में सेफ़ रहते हैं। और फ्रिज में मैं अक्सर ये जो है शीट्स बिछा देती हूँ ताकि इसको सफाई अच्छी तरीके से मेनटेन रहे। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि फ्रिज ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले आप लोग जो हैं वो शीट्स बिछा लें फ्रिज में ताकि वो साफ़ रहे, और फिर अगर आप लोग जब भी क्लीन करेंगे फ्रिज तो उसकी जो है वो क्लीनिंग करना बड़ा आसान रहता है। उसके बाद फिर शाम हो गई थी तो मैंने सोचा कि जो छोटे छोटे से आलू रखे हुए थे तो मैंने उनको दो तीन दफ़ा अच्छी तरह वॉश करके बॉयल कर लिया, उनको कट कर लिया। और उसके बाद मैं थोड़े से बेक पोटैटोस बना रही थी तो ये ऑलमोस्ट 80% बॉयल हुए हुए हैं। और उसके बाद फिर मैंने इसमें ब्लैक पेपर और ऑलिव ऑयल और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के, और हर्ब्स डाली थी मैंने, पार्सले, सॉल्ट, ये सब चीज़ें डाल के इनको मैं जो है वो बेकिंग ट्रे में डाल दूँगी, और फिर उसके बाद मैं उनको बेक कर लूँगी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक, ताकि, और उसके ऊपर मैं चीज़ भी डालूँगी कुछ आलुओं में, और वो ये बड़े मज़े के बने थे और स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, मैंने दुआ के लिए ही बनाए थे कि वो जो हेल्दी भी है और वो आराम से खा ले, तो उसने मज़े से खाया था माशाल्लाह। यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रोकली पेस्टो पास्ता, और यहाँ पे मैंने एक ब्रोकली ले ली थी, उसको बारीक बारीक कट कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा पानी में फ्राई किया, लाइक 1 घूंट पानी के अंदर उसको फ्राई करके, उसके बाद थोड़ा सा और पानी डाल के उसको मैं रख दूँगी स्टीम में पकने के लिए कि थोड़ी वो सॉफ़्ट हो जाए, क्योंकि इसका मैंने पेस्ट बनाना है। और इसको भी मैंने पेस्ट बनाने के लिए रख दिया, और फिर मैंने दूसरा पैन लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला, और उसके बाद फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी 1 चम्मच, और इसको मैं जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद उसमें बेल पेपर, टोमेटोस और मशरूम्स जो हैं वो मैं डाल दूँगी। एक टमाटर ले लिया था, दो मैंने बेल पेपर्स ले ली थी, और आधा कैन जो था वो मशरूम्स का ले लिया था। आप लोग देख रहे होंगे मशरूम्स जो हैं, क्योंकि मैं मशरूम्स भी जो होते हैं ये फ्रीज़ कर लेती हूँ, जैसे एक कैन होता है उसको दो दफ़ा मैं यूज़ करती हूँ, तो अगर मैंने हाफ़ यूज़ किया है तो हाफ़ मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी।
तो वो ये हाफ पोर्शन था उसका। और ये जो है ये है चिकन चंक्स, उसको मैंने कट कर लिया था। मुझे ये बहुत आसान लगते हैं, एक तो टेस्ट में भी बड़े मज़े के होते हैं और खाने में डालना जल्दी से जो है वो पास्ता रेडी हो जाता है। आप लोग भी सोचते होंगे वैसे कि मैं ये पास्ते की बड़ी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ आपके साथ। उसकी रीज़न ये है कि हमारे घर में जो है वो बहुत पास्ता शौक से खाया जाता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैं जो है वो वीक में कम से कम एक दो दफ़ा तो बनता ही है पास्ता, और मैं डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ। तो ये डिफरेंट रेसिपी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत मज़े का बना था माशाल्लाह। फिर मैंने इसमें डाल दिया था ब्लैक पेपर, सॉल्ट और पार्सले, ये डाल के मैं अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगी सब चीज़ों को। और आप लोग इसको, ये काफ़ी हेल्दी भी है अगर इसमें क्रीम ना डालें। मैंने क्रीम ऐड की थी इसमें क्योंकि मैंने जो है वो उस वक्त मेरे पास काजू नहीं थे। काजू हो तो काजू का पेस्ट उसका आप लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं क्रीम की जगह, कुकिंग क्रीम की जगह। और वो भी मैं आप लोगों को सही किसी दिन शेयर करूँगी, मैं बाद में लेके आई हूँ और मेरे पास रखे हुए हैं, और मैं नेक्स्ट टाइम सोच रही हूँ कि अब मैं वो रेसिपी ट्राई करूँगी। अब जिस तरह आपने उसमें देखा, मैंने पास्ता डाल के उसको मिक्स करके रख दिया था, उसके बाद मैंने अलग से पैन लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है ऑलमोस्ट 1/3 के करीब जो था, एक छोटी क्यूब कह लें, मैंने इसमें डाल दी बटर की। और उसके बाद उसको अच्छे से थोड़ा सा मेल्ट हो जाए वो, तो इसमें मैं जो है वो जो पेस्ट मैंने बनाया था, ये जो आप देख रहे हैं जो ब्रोकली नरम हो गई थी जब वो, तो मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था और वो मैंने इसमें बटर में डाल के और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुकिंग क्रीम, और कुकिंग क्रीम ऐड करने के बाद इसमें सॉल्ट और पार्सले भी ऐड करूँगी अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए, इसकी सीजनिंग करने के लिए। और ये इतने मज़े का पेस्ट बना था, मैं ये सोच रही थी कि इसको पेस्ट को आप लोग एज आ किसी भी चीज़ के साथ एज अ सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, कि अगर आप लोग कोई भी ड्राई चीज़ बना रहे हैं, जैसे खाली चिकन ही हम लोग बनाते हैं, फ्राइड चिकन बनाते हैं, तो आप इसको इस सॉस को यूज़ कर सकते हैं सर्विंग के साथ एज आ सॉस। तो ये बड़े मज़े की बनी थी, और जिस तरह आप लोग ये देख रहे हैं मैंने इसमें क्रीम डाल दी, पार्सले डाल दिए, सॉल्ट डाल दिया, और इसको अच्छे से आप हल्की आंच पे बॉईल आने दें। और इसमें मैंने चेडर चीज़ भी थोड़ा सा डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा डाला था एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। आपकी मर्ज़ी, अगर आप लोग डालना चाहें ये ऑप्शनल है, ना भी डालें तो खैर है। और ये डाल दिया था, मुझे बड़ा पसंद है चीज़ का फ्लेवर पास्ते में, तो मैं थोड़ा सा ऐड कर ही देती हूँ, चीटिंग कर लेती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं होता है, इतना फैटनिंग है, बट मुझे पसंद है तो मैं इसको ज़रूर थोड़ा सा डाल देती हूँ। उसके बाद ये पास्ते को मैंने जो है अलग से बाउल में निकाल लिया, और ये जो इसका सॉस बनाई थी इसको मैं इसके ऊपर जो है वो डाल दूंगी, और ये बहुत मज़े का बना था। आगे आप लोग देखेंगे कि ओरियो केक भी रखा हुआ होगा, वो मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।